बिसम रन रही पोस्टीर ट्राइंगल पर मैं एक इंट्रोडक्ट्री वीडियो बना चुकी हूँ अभी हम लोग पढ़ने लगे अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल तो अब हमें पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर कहीं कट हो गया खुदा ना ख्वासत तो गॉड फॉरबिट तो क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी वेजल्स कौन से लिम्फ नोड्स जो हैं उनके डैमेज होने का ख़तरा है मतलब यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एक्चुअली लाए कर रहे हैं ठीक है थीके? तो उसको हम पढ़ेंगे एक और डायग्राम से दिस वन ठीक है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के जो पोस्टीरियर ट्राएंगल है दैट इज डिवाइडेड इंटू द ऑक्सीबिटल ट्राइंगल एंड इंटू इन ऑक्सीबिटल ट्राइंगल एंड इंटू अ सब लिवियन ट्राइंगल बाई द इन्फीरियर वैली ऑफ द ओमोहायड ठीक है अभी हम सबसे पहले कॉन्टेंट्स ऑफ द ऑक्सीबिटल सॉरी सब क्लेविन ट्राइंगल के कॉन्टेंट्स पहले पढ़ते हैं ठीक है तो यहाँ पे वो बताते हैं कि यहाँ एक स्केलिन हयाटस होता है बिकॉज वी हैव द स्केलियस मीडियस मसल ये पीछे ये वाला एंड ये वाला हमारे पास क्या दैट इज द स्किलियस इंटीरियर तो ज़्यादातर जो कॉन्टेंट्स होते हैं वो स्किल स्केलन हेटस का पार्ट होते हैं ये 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 जो हमारे पास स्केलिन हेटस है ना बीच में बिटवीन द स्केलियस इंटीरियर एंड बिटवीन द स्केलनियस मीडियस ठीक है खैर ये हम ओवरऑल इनके कंटेंट्स क्या बताते जाते हैं ठीक है सबसे पहले क्या है कि वी हैव द ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकल प्लेक्स ये वाली आप देखो वी हैव द ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकल प्लेक्सेज एंड देर आर अ फ्यू नर्व्स दैट आर एसोसिएटेड विद द ब्रेकल प्लेक्स वो मैं आपको दिखाती हूँ इसके अलावा हमारे पास जो मेजर कॉन्टेंट है वो है दैट इज द सापलिविन आट्री दैट यू कैन सी अ भैया एंड वी हैव द सापलेवियन वेन तो ये तो आप फॉरन से रट लो कि भाई ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकल प्लेक्सेज साक्न आट्री सापलेवियन वेन इसके अलावा यह है कि ब्रेकल प्लेक्सिस की कुछ ब्रांचेज हैं ठीक है जो कि मैं आपको ब्रिकल प्लेक्सिस की डायग्राम से दिखाती हूँ और फिर मैं यहाँ से दिखाऊँगी तो ये वाली फ़िगर देखो इसमें आपने देखना है कि भाई ब्रिकल प्लेक्सिस की कौन सी ब्रांचेस हैं ताकि आपको याद भी आए कि अच्छा भाई ये थी ब्रेकल प्लेक्सिस और ये इसमें ये वाली ब्रांचेस हैं सो लॉन्ग थ्रासिक नर्व लॉन्ग थ्रासिक नर्व किधर जा रही थी इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नर्व ऑफ द सराटस इंटीरियर बिकॉज ये सराटस इंटीरियर की तरफ जा रही थी और इसकी रूट्स क्या हैं सी फाइव सी सिक्स एंड सी सेवन इसके अलावा द नर्व टू साफ लेवियस और इसके अलावा वी हैव द सुपरा स्केपुलर नर्व बोत विच आर इमरजिंग फ्राम दिस अपर ट्रंक ठीक है दिस इज़ अपर दिस इज़ द मिडल एंड दिस वन इज़ द लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रिकल ब्लेक्सिस ठीक है तो अब हम देखते हैं पीछे उसी पिक्चर को दोबारा से कि यही पिक्चर में अब आप दोबारा से देखो कि दो नर्व ती, ये तीन नर्व्स जो हैं वो मजीद इसका कंटेंट है द सुपरा स्केपुलर नर्व द नर्व टू सापक्वियस एंड द कौन सी वाली नर्व जो कि हमने पढ़ी थी द नर्व ऑफ द सिराटस इंटीरियर द लॉन्ग थोरासिक नर्व दैट जो कि ब्रिकल प्लेक्सिस से अराइज करी है दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्टेंट ऑफ द सापक्वियन ट्राइंगल तो अमंग द नर्व्स मैंने क्या बताया कि रूट्स एंड द ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सेज द नर्व टू द दराटस इंटीरियर द नर्व टू द सापक्वियस एंड द सुपरा स्केपुलर नर्व ठीक है सुपरा स्केपुलर नर्व हो गई आर्टरी में मैंने आपको बताया कि वी हैव द सापक्वियन आर्टरी एंड द सापक्वियन वेन अब ऑब्वियसली अगर सापक्वियन आर्टरी है और सबक्वियन वेन इसका कॉन्टेंट है तो उसकी कुछ ना कुछ ब्रांचेज भी यहाँ पर होंगी ना तो वो मैं आपको दिखाती हूँ एक और पिक्चर से फिर मैं आपको यहाँ पर लेके आऊँगी तो ये देखो ये है हमारे पास साक्लेवियन आर्ट्री वैसे तो थर्ड पार्ट ऑफ द साक्वियन आर्ट्री इज अ कॉन्टेंट ऑफ द ब्रिकल प्लेक्सेज लेकिन द ब्रांचेज ऑफ द थायरो सर्वाइकल ट्रंक जो कि सेकेंड पार्ट में आता है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड तो ये आपका है थायरो सर्वाइकल ट्रंक और इसकी दो ब्रांचेज है वन ऑफ दम इज द सुपरा स्केपुलर एंड द अदर वन इज द ट्रांस सर्वाइकल ये जो दोनों ब्रांचेज हैं दीज आर ऑल्सो अ कॉन्टेंट ऑफ द साक्लेवियन ट्राइंगल ठीक हो गया कौन कौन सी सुपरा स्कैपुलर आर्टरी ठीक है मैंने नर्व तो नहीं गलती से बोल दिया सुप्रास्कैपुलर आर्ट्री और जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्ट्री की जो कमेंसमेंट है ठीक है द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी अब देखो बच्चे ये जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्ट्री है ना ये ऊपर की तरफ उठ रही है ऊपर जा रही है ना अब देखो ऊपर की तरफ अगर हम नेक की बात करें तो ऊपर उसमें ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है इस तरह से ना हमारी नेक ठीक है तो ये जो कमेंसमेंट है इस ट्रांस सर्वाइकल आर्ट्री की दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द सब ट्रायंगल जबकि कुछ पार्ट ऑफ दिस ट्रांस सर्वाइकल आर्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल ट्रायंगल ठीक है और सुपरा स्कैपलर आर्ट्री इज़ आल्सो कॉम्पोनेट है ठीक है अब हम देख लेते हैं कि इसमें वेन्स जो मैंने आपको बताया कि सबक्वियन वेन की भी कुछ ब्रांचेज हैं तो देखो सबक्वियन वेन हमारे पास कौन सी वाली है दिस इज एक्चुअली द सब क्लेवियन वेन जो कि इस इंटरनल जुबले के साथ ज्वाइन है तो ये जो सब क्लीवियन अभी फिलहाल हमने तो बताया ना कि सिर्फ सब क्लीविन वेन एज अ कॉन्टेंट तो सब क्लिविन वेन की दो ब्रांचेज होती हैं डॉर्सल स्कैपुलर एंड एक्सटर्नल जुगुलर ठीक है, है? इसमें से डॉर्सल स्कैपुलर तो कॉन्टेंट नहीं होती लेकिन जो एक्सटर्नल जुगुलर है ना द लोअर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जुगुलर वेन दैट इज अ कॉम्पोनेंट ठीक है दैट इज अ कॉम्पोनेंट और वो जो पीछे मैंने आपको आर्टरीज में जो ट्रांस सर्वाइकल आर्टरी बताई थी ये जो ट्रांस सर्वाइकल आर्टरी बताई थी इसके साथ जो एसोसिएटेड वीना कॉमिटेंटी होगी ठीक है ना वीना कॉमिटेंटी वो भी इसके साथ आ, आ, वहाँ पे भी वो भी इसके इस साप लेवियन ट्राइंगल का पार्ट होगी और इसी तरह सुपर आर्टरी के साथ जो एसोसिएटेड वीना कॉमिटेंटी यानी कि जो एसोसिएटेड वेन होगी गए दैट विल ऑल्सो बी अ कॉम्पोनेट ऑफ द साप लेवियन ट्राइंगल ठीक है तो अब हम दोबारा से साप लेवियन ट्राइंगल की तरफ जाते हैं ये हमने देख ली सबक्वियन ट्राइंगल मैंने आपको बताया कि तीन मेन कॉन्टेंट्स पहले याद करो कौन कौन से याद करो ब्रेकल प्लेक्सेस के ट्रंक्स ठीक है सबक्वियन आर्टरी और सबक्वियन वेन फिर याद करो कि भाई ब्रेकिल प्लेक्सेस में से कौन कौन सी ब्रांचेस थी हमने तीन ब्रांचेस पढ़ी वन वॉज द लॉन्ग थोरासिक नर्व द नर्व टू द सापक्वियस एंड द सुपर स्केबुलर नर्व ठीक है फिर जब तुम सबक्वियन आर्टरी की बात करो तो उसमें तुम सबक्विन आर्टरी की जब आप बात करोगे सप्पलेवियन आर्ट्री तो उसमें हम आप याद करो कि देखो थर्ड पार्ट ऑफ द सपलेवियन आर्ट्री लेकिन जो ब्रांचेज ऑफ द थारो सर्वाइकल ट्रंक जिसमें हमारे पास ट्रांस सर्वाइकल आर्टरी की कमेंसमेंट उसके एसोसिएटेड वीना कॉमिटेंटी और जो सुप्रासकैपलर आर्ट्री और उसके एसोसिएटेड जो वीना कॉम्बिटेंटी होगी वो ठीक है और जो सप्पलेवियन वेन है इसके साथ एसोसिएटेड कौन सा वेन है दैट इज़ द एक्सटर्नल जुकला वेन और चूँकि ये सब क्लेवियन ट्राइंगल है तो यहाँ पर जो लिफ नोट्स होंगे उनका क्या नाम होगा दिल बी कॉल्ड एज द सुपरा क्लेविकुलर चेन क्योंकि ये क्लेविकल के ऊपर है ना तो यहाँ पे वी विल भी हैविंग द सुपरा क्लेविकुलर चेन ऑफ लिफ नोट्स ऑल्सो कॉल्ड इज द विकॉज लिम्फ नोट्स ठीक है अब हमारे टूवर्ड्स दिस ऑक्सीबटल ट्राइंगल अब इसका नाम ऑक्सीबल हमने क्यों रखा ऐसा क्या था कि हमने इसका नाम ऑक्सीबल रख दिया बल्कि मैं ऐसे करती हूँ ऑक्सीबटल ट्राइंगल आपको सेकेंड पार्ट में बताती हूँ